हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण सक्सेना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बार क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं उनके लिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और जब बार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तब होता है जब हम क्वेश्चन देख के सोचते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक्स कौन सी लगेगी, क्योंकि आपके जितने भी टीचर हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियो जितने भी देखेंगे तो उसमें सब बताते हैं कि अगर एग्जांपल ले लूं तो सभी बताएंगे कि अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो आपको इस टाइप की ट्रिक्स लगानी है, अगर डबल नंबर पर बार है तो आपको इस टाइप की ट्रिक्स लगानी है। थर्ड क्वेश्चन, जैसे अगर कोई नंबर है इस टाइप का तो उसमें अलग ट्रिक्स लगानी है। फोर्थ है, अगर हम नंबर इस तरीके का ले लें तो उसमें अलग तरीके की ट्रिक्स लगानी है। और एक अलग टाइप का और क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार या 0.90 बार, इसमें से कौन सी नंबर बड़ा है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है 1/11 की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके के ढेरों क्वेश्चन बताएंगे और उनकी ढेर सारी ट्रिक्स बताएंगे। तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए केवल एक सिंगल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसे आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये तीन स्टेप हैं, केवल आपको ये तीन स्टेप ही फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, जो अब तक पढ़ा है उसे पूरा तरीके से डिलीट कर दो माइंड से, बस ये तीन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है यानी सर्वप्रथम दी हुई संख्या को x के बराबर लिखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, जब आवर्त दशमलव लगे अंकों से पहले के अंकों को दशमलव से बाहर ले आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अब जितने अंकों पर आवर्त लगा हुआ है उन्हें भी दशमलव से बाहर ले आइए। कैसे, या तो इन तीन स्टेप्स को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैसे, देखिए मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूं जो मेरे पास दिया हुआ है। 0.427 का मान याद कीजिए, हमें फोर ऑप्शन दिए हुए। तो हमें क्या करना है, कोई ट्रिक्स याद नहीं रखनी है, हमें बस इस पर ध्यान देना है कि स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो भी संख्या दी हुई है उसे x के बराबर लिख लो, हमने फर्स्ट स्टेप लिखा कि जो भी संख्या दी हुई है उसे x के बराबर लिख लो। दूसरा स्टेप कह रहा है कि अब आवर्त दशमलव लगे अंकों से पहले के अंकों को दशमलव से बाहर ले आओ, यानी अब जो आवर्त दशमलव हमारे कौन सा, यानी जो आवर्त रिपीटेड, जो रिपीटेड वाले शब्द हैं, जो अंक हैं वो कौन से हैं, 2 और 7, यानी उसके अलावा जितने भी नंबर हैं दशमलव के इधर साइड उसको बाहर ले आइए, दशमलव से बाहर ले आइए, यानी कितना नंबर है, 1। 1 है यानी हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 4.27 का आवर्त। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, अब जितने अंकों पर आवर्त लगा है उन्हें भी दशमलव से बाहर ले आओ, थर्ड स्टेप है, यानी वो कह रहा है कि अब जितने अंकों पर आवर्त लगा है, आवर्त कितने अंकों पर लगा हुआ है, 2 पर, तो उन्हें भी दशमलव से बाहर ले आइए। अब 2 पे लगा हुआ है तो यानी 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1000x = 427.27, क्योंकि ये रिपीटेबल है, ये स्टेप 3। अब हमें क्या करना है, बस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, यानी सेकंड में से थर्ड को घटा देना, माइनस माइनस, 1000 में से 10x गया, 990x, और 427 में से 4 गई,
हमारा 423, ये हमारा हो गया 0। तो क्या बचा, x इक्वल टू 423 बटे 990, यानी हमारा देखा है आंसर कौन सा है, 423 बटे। अब इसका, इस ट्रिक्स का बेनिफिट क्या है, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अब हमें कोई किसी भी तरीके का बार का क्वेश्चन आता है, कैसा भी दुनिया का कोई सा भी सवाल ले आइए बार का, इन तीन स्टेप के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इन तीन स्टेप के अलावा। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन करके देखिए, जैसे मान लो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन ही कर रहा हूं कि 0.123 किसके बराबर है, इधर इस पर कर लेते हैं कि 0.123 तीनों पर बाल लगाओ किसके बराबर है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है उसे एक्स के बराबर रख लो, ठीक, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप है कि अगर दशमलव के बाल लगे हुए अंकों के अलावा अगर कोई अंक है तो उसे एक्स दशमलव से बाहर ले आओ, कोई है क्या, नहीं है, अच्छी बात, सेकंड स्टेप हमें नहीं फॉलो नहीं करना। थर्ड स्टेप क्या है, अब जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उन्हें दशमलव के बाहर ले आइए, कितने नंबर पर लगा हुआ है, तीन पे, तो 3 0 इधर लगा लीजिए, दशमलव से बाहर ले आए, ये रिपीटेबल है हमारे, ये रिपीटेबल चलते रहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, कितना बचा, 999x इक्वल टू 123, एक्स इक्वल टू 123 बटे 900, ये हमारा आंसर हो गया, ये सी हमारा आंसर हो गया। अब वही मैं कह रहा हूं कि आप इन तीन स्टेप के अलावा बार से रिलेटेड कोई और ट्रिक्स आपको याद नहीं रखनी है, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इन तीन ट्रिक्स के, तीन स्टेप के अलावा चौथा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है 1.17 का बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या हो? हमें क्या करना है, बस फर्स्ट स्टेप क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसे एक्स के बराबर रखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। सेकंड स्टेप है दस जो बार दिया हुआ है, जिस पर बार लगा हुआ है उसके अलावा जितने नंबर हैं दशमलव के इस साइड उसे दशमलव के बाहर ले आओ, कितने नंबर है, एक, तो इधर क्या करा, एक यानी 10 10 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 11.7 इक्वेशन सेकंड। थर्ड स्टेप है कि जितने पे बार लगा हुआ है उसे भी दशमलव के बाहर ले आइए, तो कितने पे लगा हुआ है, एक पे, तो 1 0 और बढ़ा दिया इधर, कितना हो गया 117.7 का बार इक्वेशन थर्ड। थर्ड माइनस सेकंड, 100 में से 10 गया 90x, और इधर हमारा बचा, इलेवन 6 तो ये गया 0 106, यानी x इक्वल टू 106 अपॉन 90। इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब चाहे तो क्वेश्चन इस टाइप का हो, चाहे क्वेश्चन हमारा जो है इस टाइप का हो, चाहे 1.7325 कैसा भी हो, ठीक, चाहे वो इस तरीके का हो, आपको बस ये तीन स्टेप फॉलो करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।